बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं दुआ करना साढ़े वेखण वाले जिन्हें कि भैन भाई ने खुश रहो, बात रहो, हमेशा हंसते वसते रहो। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, हमेशा एवें मुस्कुरांदे ही रखे। तो अज ना असी फ्रिज लैके आंदी है नवी, तुसी दूसरे चैनल ते वेख्या तो होना, तो उनकी खुशी में जिहड़ा है ना तुसी वेख सकते हो। असी जिहड़ा रोटियां रोटी पाने का जिहड़ा है ना साडा लेट हो गया, काफ़ी दिन मुकम्मल तौर पर लथ गया, तो बेगम साहबा हुण रोटियां पका रही है। क्योंकि अज खुशी इन्नी हैगी सी कि जिंदगी विच पहली बार असीं जिहड़ी ना फ्रिज लई आ, एक तो साडे पैसे बचणगे रोज, जिहड़ी ना बर्फ लैनी पैंदी सी रोज, जिहड़े बच्चे जांदे सी दुकान ते दिन वे दिहाड़ी तीन चार चार बारी जाना पैंदा सी, उंदे तो जान छुट्टी है। ते इक फ्रिज लई असीं तिन्ने घरां इस्तेमाल करनी है फ्रिज। हां जी, आ हुण बाई दा ही घर हैगा ते बेगम साहिबा वेख लै इत्थे आ के रोटियां पका रही, साडे विच कोई जिहड़ा ना वखरे वखरे वाली गल कोई नहीं, असीं रल मिल के चीजां इस्तेमाल करने आ। इंसान समझे ते फर्क हुंदा ही नहीं है, क्योंकि असां फर्क असीं तिन आ ना तिन घर दे विच रोटियां पकाईयां सी क्योंकि सिस्टर आई हुई सी घरे, ते मेहमान हैगे सी, ते ओ खत्म हो गई रोटियां, मेहमान हैगे सी ते रोटियां खत्म हो गई, ते हुण आ जिहड़ियां रोटियां पका रहे, अबू ही खानी है रोटी, मैं भी खानी है हाले। ते बेगम तू खा ली सी कोई नहीं? हां जी मैं खा ली, इन्हें खा ली तकरीबन दो तीन बंदियां दी, तकरीबन आ वेख लो तुसी चार पांच रोटियां पकाईयां सिरे पर, ताजियां दोबारा फिर असा पका ली। हां क्योंकि दोपहर वाली खा लिया सी, इन्हां ने एक अद्धी पई सी, मैं चलो ताजियां बना दियो। ते चल नाल तुसी साडे रहना, क्योंकि जिहड़ा ना हुण बदल बणे होए ने, तुसी वेख सकदे हो बदल बणदे पए ने, बारिश दा मौसम हैगा, ते अज हां हवा ही बड़ी तेज आई ना, बड़ी ज्यादा हवा ही आई तो बदल का खतरा हो, अलमारी दे बैक साइड ते बाहर रखी, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है, फ्रिज जिहड़ी है ना गर्म होने का काफी खतरा हुंदा, जलन का खतरा हुंदा, गत्ता हुंदा अंदर पिया क्योंकि हुण शाम होई खड़ी ने, तां करके लाइट बाली हुई है, लाइट तो बगैर तो व्लॉग जिहड़ा है ना बन भी नहीं सकदा। ते तुसी दसणी इत्थे सही तकरीबन मैं सही लगदी पिछरे अंदर तो अजकल अंदर आज नहीं, अजकल नहीं रखी, बरामदे च रखनी पैंदी, बहुत ज्यादा गर्मी है। उन्हें जिंदे भाई को लैन दी उन्हें कहा अंदर जिहड़ी ना फ्रिज बिलकुल नहीं रखनी, तुसी फ्रिज जिहड़ी ना बाहर रखनी बरामदे च, क्योंकि असी जाती अपने घर दी फ्रिज असी साड़ी बैठे हैं, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा सी, कंप्रेसर गर्म होके जिहड़ा ना खराब हो गया। ए वाला जिहड़ा तंदूर हैगा ये चक के बाहर रखने आ, क्योंकि बारिश का जिहड़ा हैगा खतरा, बदल जिहड़े हैगे आ साइड तो थोड़े थोड़े बनते पए ने, ते सूरज बिलकुल गरूब हो चुकिया, ते ऐ वाले जिहड़े टोड़े हैगे ये भी इन्हां उत्ते छापर पाना, क्योंकि पहले अनेरा आया सी ते उड़ के छापर जिहड़ा सारा परे चला गया सी, ये भी सारा क्लियर करना है। ए चक के जिहड़ा अंदर लैके चलना, वाब नूं कित्थे लैके आ, वाब की खाधी जाना अफजल वाब, ये खावण दी छाए, एक बिस्कट जिहड़ा खा रहा है, ए वेखो बच्चियां ना फड़ाते, पता ही किन्ना नुकसान दे, हुण ना चाक फदयाए बाल किसी नूं, ये सारे बेगम साहिबां नूं कहने भी झाड़ू दे के ना, ऐ वाले जिहड़े हैगे ना फ्रिज चो निकले ने गत्ते जे, ते ओह बच्चे जिहड़े हैगे ना मुँह च पा रहे ने सारे, चक के ना बाहर सिटने आ। शाम दे टाइम जिहड़ा हैगा तकरीबन अबू इत्थे ही बहिंदा, मैं भी इत्थे बहिंदा हुंना, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इस मंजी ते बह के करदे हुंने आ, ते तकरीबन रात दे 8-9 सानूं इत्थे मंजे ते वज जांदे ने बाहर ही। ते ऐ वाले जिहड़े तंदूर हैगे अज कढे ने बाहर, ये भाई दे हैगे छोटे दे इजाज़ दे, ते मेरे वाले तंदूर वह पर पे ने उत्थे चक के जिहड़ा वड्डा तंदूर उत्थे हुणे लैके आने बाहर, क्योंकि बारिश का मौसम हैगा इत्थे, फिर छापर पा के रख देईदा, ते नाले विक जाएगा बाहर लिया के रखने आ, तंदूर जिहड़ा हैगा चक के बाहर रख दिता, ते हुण जिहड़ा इत्थे सेल हो जाए। लैबा जिहड़ी हैगी जग धो रही है, मां मां तेरी कोई नहीं धो सकती है, पैंदी कोई नहीं धो सकती मां। चलो अच्छी गल हैगी, बच्चों काम करन दा जिहड़ा ना वल सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिहड़े ना खराब नहीं होंदे, चंगी तरह धो के लै जा, मां नहीं धोंदी, धोती भी खड़ी है, धोती भी खड़ी है, वेख ला मुकम्मल लथ गया। बेगम साहिबा जिहड़ी हैगी बर्तन धोण लगी सी, मैं इजाजत लै लवीए क्योंकि अगे शाम हो जानी आ,
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਤੰਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਣਾ ਨਾਕ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਲਾਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਬਾਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਬਾਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।